आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से अपन मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। अरे अमोल बीट्स अमोल, लुक एट द व्यू दोनों साइड में, जिधर जिधर देखो उधर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा है यार। व्यू को मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं ये व्यू को, पूरा सब जगह पे वाटरफॉल्स है, 1 2 3 4 कितने गिनूँ यार। बस अब कुछ ही देर में घाट शुरू हो जाएगा। क्या बात है, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है मालशेत घाट में। पेश है आपके सामने द मोस्ट द फेमस ब्यूटीफुल मालशेत घाट। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, खो गए हम कहाँ, ए मेरे दिल बता। देखो बारिश हो रही है, It's raining, it's raining, it's raining. सो आई गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमोल जी व्लॉग्स, और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अमोल, और स्वागत है एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। गाइस टाइटल थंबनेल आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, और आज जैसे थंबनेल के ऊपर मैंने डाला हुआ है कि अपन जा रहे हैं मालशेत घाट में, और जैसे आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो ब्यूटीफुल सा स्पॉट है, मेरा फ्रेंड पीछे निकल। सो हम लोग अभी एक्चुअली मैंने क्या किया कि ये टाइम हमेशा घर पे से ही चालू करता, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा अपन बाहर आते और कुछ अलग ट्राई करते। सो यस थोड़ा बीच रस्ते में हम लोग मुड़बाड़ के आ गया है, और सोचा कि चलो यहाँ से ट्राई करते। सो गाइज ये व्लॉग में बेसिकली अपना मुंबई टू मालशेत घाट जो मोटो ब्लॉगिंग होगा वही सारा इसमें होने वाला है, प्लस वहाँ पे अगर कुछ अच्छे स्पॉट्स मिलते हैं अपने को देखने के लिए तो डेफिनेटली वो पार्ट भी अपन, वो स्पॉट्स भी अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्लाइमेट हो गया, मतलब मैं सोचा नहीं था, निकल रहा था तब थोड़ी बारिश थी, फिर थोड़े रास्ते में धूप आ गई, बट अभी फिर से जैसे देख रहा हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल सा क्लाइमेट बना हुआ है। और खास करके मालशेत घाट का टाइमिंग, मतलब मालशेत घाट अगर आपको आना है तो बारिश के टाइम पर आना, मतलब बारिश के टाइम पर मोस्टली आते, सो ब्यूटीफुल होता है पूरा ग्रीनरी, जैसे आप देख पा रहे हो आगे पूरा प्रॉपर ग्रीनरी चल रहा है यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, वहाँ पे ब्यूटीफुल से स्पॉट्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, वाटरफॉल्स अगर मिले तो हम लोग डेफिनेटली वाटरफॉल्स भी अपन जरूर ट्राई करने वाले। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और यस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। सो गाइस ज़्यादा टाइम पास नहीं करते और अपना इस व्लॉग को फटाफट चालू करते हैं। इसी के साथ मैं हल्की हल्की बारिश थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बहुत टाइम के बाद मैं यार मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये हेलमेट एडजस्ट करते हुए टाइम जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से अपन मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। ये नया ब्रिज कब बनेगा पता नहीं, बट यार ये जब बनेगा ना तो ये जो यहाँ के ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा बिकॉज अपनी बाइक है, बट थोड़ा सा ट्रैफिक लगा, बट ये क्लियर हो जाएगा। और ये अपना फेमस फाउंटेन होटल, तो अपना दोस्त के लिए अपन अभी रुके हैं, तो कहाँ पे गए निखिल सावंत, हाय अमोल, अमोल अरे अमोल बीट्स अमोल। चल फिर अभी क्या करते हैं अपन, आगे आधा एक घंटा आधा नाश्ता कुछ कर रहे थे, अर्धा तास थाना क्रॉस करूँ, मैं मैप लावून ठेव, ठीक है चल डन डन फटाफट काढ़ू मत, चलो चलो लेट्स गो। और यार सच्ची में मतलब बारिश में तो यार जो ब्यूटीफुल वेदर हो जाता है और ब्यूटीफुल सीनरीज हो जाती है ना, बहुत सही लगता है, और उस वजह से ही यार एक राइड करने का भी एक अलग मज़ा हो जाता है। थाना में तो अपन आ गए हैं यार, और जैसे देख पा रहे हो यार बारिश मतलब ड्रिजल है, बारिश भी नहीं बोल सकते इसको, हल्की हल्की ड्रिजल चालू हो चुके हैं। बस मुझे थोड़ा सा टेंशन है बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसे जो क्या बोलते इसको वाटरप्रूफिंग वगैरह जो भी गोप्रो और माइक ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट यू कैन से कि मेरा पहला बारिश का मोटो व्लॉग होगा मेरे चैनल पे। अपन को मारना है राइट यहाँ से, सो ये अपना मुंबई नासिक हाईवे, तो अभी अपन उसको छोड़ के राइट में चले जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock होने आ चुके हैं, तो अभी अपन थोड़ा सा वहाँ पर किधर रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जब मैं मालशेत घाट किया था तो तभी मैं गया था भिवंडी करके राइट मार के कल्याण से,
ये भी आगे शायद कल्याण को ही मिलेगा, बट मैं आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने मैप देखा ही नहीं, उन लोगों को ही फॉलो कर रहा हूँ आगे वाले लोग को, देखते लेट्स सी। होप रास्ता अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम का रास्ता बहुत ही ख़राब मिला था मुझे। अपने दोनों साइड में जैसे देख पा रहे हो यार, दोनों साइड में है पाइपलाइन पानी के नीचे, छोटी सी शायद नदी है, नॉट श्योर बट मस्त लग रहा है, लुक एट द व्यू। दोनों साइड में जिधर जिधर देखो उधर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा है यार, और ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ में एक छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग, ये है अपना रेलवे क्रॉसिंग, आता लेफ्ट है ना। वेल सो जो अपन रास्ते से आए थे एक्चुअली वो रास्ते का भी एंड हो गया, और जो मेन रास्ता जो मालशेत को जाता है, सो यही अपना जो मेन रास्ता है, और अगर आपको आना है तो यहाँ से, यहाँ से लेफ्ट मार के ये अपना मालशेत का रास्ता अभी चालू हो गया। और मालशेत के बारे में बोलना तो यार बहुत ब्यूटीफुल सा घाट है मालशेत घाट, ज़्यादा दूर नहीं है, 130 किलोमीटर मुंबई से है, और यहाँ पे अगर आपको आना है तो बारिश के सीज़न में एक बार विज़िट ज़रूर करना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इधर का मतलब एक अच्छा खासियत ये भी है, मतलब बोलते ना कि एक अच्छी खासियत बोले या उसको बोलते कि एक अट्रैक्टिंग पॉइंट ऐसा है कि पूरा घाट पे पानी गिरता है ऊपर से, तो अपने को नेचुरल बाइक वॉश या कार वॉश जो भी बोलो आप, वो अपने को मिलेगा यहाँ पे जाके। यार देखो ना यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही जगह पे अपन आ गए। तो यही खासियत होती है यार, मतलब जब भी आप लोग मानसून में कोई जगह पे जाते हो तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, मतलब फटाफट पेट्रोल भर लेते क्योंकि पेट्रोल दिखा रहा है अपने को कम। सो चलो फटाफट पहले पेट्रोल भरते हैं यहाँ पे। बोलते बोलते 25 किलोमीटर पार हो गए हैं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में अभी अपन पहुँच चुके हैं मुरबाट में, और यहीं पे कहीं पे अपने को रुकने का है ब्रेकफास्ट करने। अपने को ना यह वाला होटल दिख गया तो मैं सोचा चलो यहीं पे रुक जाते क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया। सो लेट्स वेट यार, कुछ खाते हैं। अपनी तो हो गई अभी पेट पूजा, बाइक की पेट पूजा सबसे पहले की, फिर अपनी की, और अभी अपन निकले हैं अपने मंजिल के तरफ जो है मालशेत घाट। बट अभी जैसे देख पा रहे हो आप कि इतना फिर से धूप चालू हो गया, सो ये धूप छाव जो चल रहा है ना कंटिन्यू सुबह से ही चल रहा है ऐसा। पता नहीं यार कितना आपको दिख पा रहा है, बट वो सामने जो माउंटेन है ना उसके पीछे ही है मालशेत घाट, मतलब इनफैक्ट वही है मालशेत घाट। तो अभी तो यार ऊपर यहाँ से देख के तो ऐसे लग रहा है कि लिटरली वहाँ पे क्लाइमेट सही होना चाहिए। ये व्यू को मैं क्या ही बोलूँ मैं ये व्यू को, पूरा सब जगह पे वाटरफॉल्स है, 1, 2, 3, 4 कितने गिनूँ यार, सारे वाटरफॉल्स। बस अब कुछ ही देर में घाट शुरू हो जाएगा, सो अपन एक काम करते ना गाइस, चलो टाइम लैप्स डालता हूँ उसको एंजॉय करो। शुरू होते थे एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल आपके सामने है, सो यार यही सब चीज़ देखने के लिए अपन यहाँ पे आए, इतनी दूर 130 किलोमीटर आए, सो अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे और ऊपर क्लाइमेट बनते हुए। क्या बात है, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है मालशेत घाट में, और क्या ही बताऊँ मैं यार, अरे मतलब भाई साहब कड़ाक व्यू एक नंबर लग रहा है। अभी बस हम लोग ऊपर ही चढ़ रहे और चलते चलते में मस्त वाली बारिश आ चुकी है, और व्यू ही व्यू है हर जगह पे, इधर व्यू ही व्यू है, मतलब कहाँ पे रुकूँ मैं ऐसा हो गया। सो अभी ऐसा है कि ये जो स्पॉट है, सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ मालशेत घाट, पूरा ऐसा घाटी है। सो अभी ये एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे अपन रुक लेते थोड़ा सा।
वेल सो गाइस, पेश है आपके सामने द मोस्ट द फेमस ब्यूटीफुल मालशेत घाट। वेल सो गाइस, यार मतलब पता नहीं यार वीडियो में कितना जस्टिस कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे आके जो फील आ रहा है ना, मतलब फीलिंग जो है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल है। और यस ऑब्वियसली मतलब ऐसे सब स्पॉट्स पे आने के बाद में यार कुछ अलग सी फीलिंग आता है। सो अपन एक काम करते, थोड़ा सा अपन पीछे साइड में एक पॉइंट है वहाँ पे रुके थे, अभी ऐसे अपन आगे जाएंगे और वहाँ पे भी थोड़ा सा आगे रुकेंगे। सो यार जो लग रहा है ना चला के यहाँ पे बाइक, ये मौसम के लिए मैं यहाँ पे आया था। और भाई पैसा वसूल, कोई अलग वर्ड नहीं है, बस पैसा वसूल। और क्या क्लाइमेट है यार। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, खो गए हम कहाँ, ए मेरे दिल बता। ये देखो ये पूरा ऐसा पानी गिरता है ये वाला, मतलब अभी इतना बारिश भी नहीं है तो वी विल मिस दैट, बट थोड़ा सा आपको देता हूँ। चलो मिल गया, थोड़ा सा मिल गया है, 1 2। ये देखो थोड़ा सा, ए बारिश का पानी, क्या ही बात, ऐसे पूरा मतलब इनफैक्ट गिरता है यहाँ पे से यार। अभी थोड़ा सा छोटा सा था बट पूरा ऐसे नीचे गिरता है। बट सच्ची में मतलब मैं अभी आई एम काइंड ऑफ स्पीचलेस, क्योंकि ये सब आजू बाजू देख रहा हूँ तो मैं क्या दिखाऊँ, क्या क्या दिखाऊँ और क्या क्या नहीं दिखाऊँ, यही मैं सोच रहा हूँ। ऊपर से रास्ते पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अभी रास्ते का काम हो गया अच्छे से, थोड़ा रास्ता वाइड हो गया है और सीमेंटिंग हो गया है। तो यार बक बक बहुत ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा सा इन्जॉय कर लो इसको। एक फेमस स्पॉट है बट यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इस पर एक व्लॉग बनाया हुआ डेडिकेटेड, तो अगर आपको चाहिए तो जाके यहाँ पे आई बटन में डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लो। और गर्दी तो देखो कितना है भाई साहब, गर्दी तो देखो यार। और वो जो पहाड़ के ऊपर का बादल का मजा है ना यार, वो यहीं पे आके मिलेगा। जिस लेक के बारे में मैं कंटिन्यूसली सुबह से बता रहा था कि मालशेत क्रॉस करने के बाद में एक छोटा सा लेक आता है, गाइस यही वो लेक है। पूरा देखो कितना बड़ा और कितना यूज लेक है। सो यहाँ से अपने को आगे से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके फिर अपन वो लेक की तरफ जाने वाले। सो यस, मुझे यहीं पे आने का था, मालशेत घाट तो मैं आ चुका हूँ बट ये एक नया चीज़ मुझे एक्सप्लोर करने मिल रहा है। सो चलो गाइस फटाफट चलते हैं अंदर ही। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। बाइक का थोड़ा सा फायदा लेके अंदर अंदर चले जाते हैं, लेट्स सी थोड़ा सा एडवेंचर। बाइक फुल सरकते हुए और ये फर्स्ट टाइम हिमालयन का ऑफ रोडिंग। फाइनली थोड़ा सा अपन ऑफ रोडिंग करके वो वाले स्पॉट पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। और क्या ही बोलूँ, हिमालयन का भरपूर फायदा उठाते उठाते। स्पॉट है यार जहाँ पे मैंने भी सोचा था आने का, बट वैसे मौका कम मिला, बट अभी अपन इतना आई है तो थोड़ा सा क्या ही मतलब।
फाइनली ब्यूटीफुल सा लेक आपके लिए। और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके अंदर आने का कोशिश कर रहे। सो इस प्रकार एक भाई थोड़ा टैलेंट दिखा रहे थे अपना गाड़ी पे निकालने का, निंजा 300 को, और थोड़ी अटक गई है गाड़ी। सो अपन एक काम करते, पहले इसको ये गाड़ी को निकालते और फिर आगे अपन देखते। वेल सो गाइस, फाइनली अपन जो स्पॉट पे सुबह से मतलब बोल रहा था कि अपने को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, वो स्पॉट पे अपन फाइनली आ चुके हैं। बाइक वॉश चालू है यहाँ पे, अपना सम्राट वहाँ पे। और यार मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पॉट है यार यहाँ पे ना। आप मतलब अगर खुद आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वीडियो में पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इसका प्रॉपर एक्सप्लोर करके दिखाने के लिए, बट यार बैक साइड में सुपर लग रहा है पूरा, इतना पूरा लेके, पूरा जैसा देख पा रहे हो ना, पूरा का पूरा लेके। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट सिनेमैटिक शॉट्स मैं लेता हूँ और आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। सिनेमैटिक शॉट्स और थोड़े से अच्छे टाइम लैप्स भी मैंने डालने का कोशिश किया। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे धूप छाव जैसे ही चल रहा है, मतलब कभी धूप कभी छाव ही चल रही है, बट ब्यूटीफुल सा लेक है। सो अभी आपको आना है कभी तो डेफिनेटली मानसून के टाइम पे आप विजिट करना। हवा बहुत है तो शायद मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, और वैसे भी मैंने वो माइक कैरी नहीं किया, बारिश था इसके लिए। सो अभी काम करते हैं, यहाँ से प्लान ऐसा है कि अपन यहाँ से अभी कहीं पर तो जाके खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है, बच चुके हैं 3। सो फटाफट खाना खाते हैं और फिर वहाँ से अपन निकलेंगे मुंबई के लिए फिर से। ऐसे ही चल रहा है, सुबह से बारिश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सो ठीक है, अभी यार ऑलमोस्ट अपन पहुंच गए घर पे। अभी डायरेक्टली मैं पूरा फ्रेश होके फिर मिलता हूँ आपको गाइस। यार वेल सो गाइस, यार अपन फाइनली घर पहुंच गए। एक्चुअली बजे 11, बट मैं डेढ़ घंटे पहले ही पहुँच गया था, 9:30 के करीब मैं पहुँच गया था। बट थोड़ा सा मुझे थोड़ा पर्सनल काम भी थे, इसके वजह से मैं सोचा कि चलो वो पहले कंप्लीट करते, फ्रेश होते फिर आपसे मिलते। सो यार ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, बिकॉज मालशीर घाटों में ऑलरेडी गया था, बट उसके आगे का जो लेक था वो मुझे देखना था। और सच्ची बताओ तो यार, अगर आपने मेरा व्लॉग पूरा नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके चेक करिए, पूरा व्लॉग देखिए, आपको सच्ची में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बिकॉज जो व्यूज़ थे, जो लैंडस्केप्स थे यार, अल्टीमेट था। मतलब बोलते हैं ना कि पूरा लश ग्रीन सब जगह पे, जहाँ पे भी देखो पूरा लश ग्रीन था। और अभी ज़्यादा भी बारिश नहीं गिरी थी, सो जो मालशीर घाट के ऊपर से जो पानी गिरता है, जो नेचुरल वाटर, मतलब जो नेचुरल हम लोग बोलते थे कि वॉशिंग सेंटर जैसा होता है, सो वो नहीं मिला, बट थोड़ा सा अगर मिड में जाएंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। सो गाइज, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि मुंबई के नज़दीक में कहीं पर जाने के लिए, सो आप डेफिनेटली मालशीर घाट जाके ट्राई कर सकते हो, और उसके आगे का लेक भी। सो यस गाइज, ये व्लॉग में इतना ही था। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक पहले लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। गाइज मेरे चैनल पे ऐसे ही सारे व्लॉग्स होते, सो गाइज स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, और मिलते हैं ऐसे अच्छे व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद।